विनलैंड सागा सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 अ स्लेव। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा लोहार का काम कर रहा होता है और वो बोलता है कि भर दो, अपने शरीर में भर दो, जमीन में भर दो, समुद्र में भर दो, अपने दुश्मनों में भर दो, बंदी बनाने वाले में भर दो, भर दो, भर दो, भर दो। अरे क्या भर दो, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या भरने की बात कर रहा था, लेकिन छोड़ो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान पेड़ काट रहा होता है, तभी उसके पीछे से माँ उसको एक चाकू पकड़ के मारती, तो ये बोलते हैं माँ ये आप क्या कर रही हो, तभी उसकी बहन आके बोलती है भाई लकड़हारा बनने का शौक है क्या। फिर वो लड़का बोलता है नहीं मैं तो लड़ाई की तैयारी कर रहा था, ज़रा मेरी ताकत तो देखो। फिर उस लड़के की माँ बोलती है भले ही तुम अट्टे कट्टे हो लेकिन तुम लड़ाई में कुछ नहीं कर पाओगे, चलो खाना खाओ। फिर वो लड़का बोलता है माँ चाकू पकड़ के मारने की क्या ज़रूरत थी, आपके पास बर्तन और चम्मच भी तो थे। तब उसकी माँ बोलती है अगर मैं बर्तन मारती तो तुम्हें क्या ठीक लगता। फिर वो सब खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर लड़की की माँ लड़के से पूछती है कि तुमने अचानक से लड़ाई का अभ्यास क्यों शुरू कर दिया। फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे इस जगह की रक्षा करनी है, पूरी तरीके से जल के राख होने के बाद बड़ी मुश्किल से ये जगह आबाद हुई है, मुझे विश्वास है। तभी इतने में उसकी बहन चिल्लाते हुए बोलती है वाह ये दूध कितना अच्छा है, अब मैंने कोई जगह का नाम लिया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उसने जगह क्या बोली। फिर उसकी माँ बोलती है यानी कि उसे गाय भैंसों का दूध अच्छे से निकालना आता है। फिर वो लड़के से बोलती है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, योद्धा बनने की कोशिश मत करो। फिर वो लड़का बोलता है हम हमेशा हार जाते हैं, पिताजी ने हमारी जान बचाते बचाते खुद की जान कुर्बान कर दी। फिर उसकी माँ बोलती है ये तो है तभी तुम जिंदा हो, लेकिन ये गांव तुमने फिर से बनाया और अब माँ बहन के साथ बैठकर बढ़िया सा खाना खा रहे हो, हम हारे बिल्कुल नहीं हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हंसता खेलते हुए गांव, लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सिपाही गांव के ऊपर हमला कर देते हैं और पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं और सबको मार रहे होते हैं। वो लड़का और उसका परिवार जैसे तैसे बच बचाकर झाड़ियों में उनसे छुपे होते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है जंगल में जाते ही नदी के साथ भागना शुरू कर देना, लेकिन जो उसकी बेटी होती है बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। तभी उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ नदी के साथ भागते रहना और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। फिर वो तीनों जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी माँ को कोई तीर मार देता है, फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसका बेटा उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। तब उसकी माँ बोलती है बेटा भाग जाओ, तब वो लड़का बोलता है नहीं माँ, और जो उसकी बेटी जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी वो अपने भाई की आवाज़ सुन के वापस आ जाती है और वो अपनी माँ को ज़मीन पर पड़ा देखकर रोने लगती है। फिर उसकी माँ प्यार से बोलती है हट पागल बेटी। फिर वो सिपाही उन्हें देख लेते हैं और वो बोलते हैं अरे वहाँ तो लड़कियाँ भी हैं, हम आ रहे हैं लड़कियों। फिर उसकी माँ अनार को एक मुक्का मारती है और अपनी तरफ खींच के बोलती है खड़े हो जाओ अनार और लोचा को लेकर भाग जाओ जल्दी। तब अनार बोलता है लेकिन माँ आप। फिर अनार की माँ बोलती है एक मरती हुई बुढ़िया भी मुकाबला कर सकती है, जब तक तुम जिंदा हो तुम खुद को बचाओ। फिर वहीं पर उसकी माँ अपना दम तोड़ देती है। फिर वहाँ पर वो सिपाही आ जाते हैं, उनमें से एक सिपाही बोलता है ये यहाँ से अब तक भागे क्यों नहीं। दूसरा सिपाही बोलता है ये लड़की तो बहुत सुंदर है, किसे देख रही हो, तुम्हारी माँ मर चुकी है, और लोचा को उठा कर ले जाता है। तब अनार हमला करते हुए बोलता है मैंने कहा लोचा को छोड़ दो, लेकिन उनमें से एक सिपाही सिर्फ कोनी का यूज़ करके अनार को घायल कर देता है। तभी जो सिपाही लोचा को ले जा रहा होता है लोचा अपने बालों में से एक सूढ़ा निकाल कर उसको मार देती है और वो सिपाही लोचा को ज़मीन पर पटक देता है। फिर लोचा बोलते हैं तुम्हें इसका अंजाम, और इतने में ही लोचा के ऊपर वो अपनी कुल्हाड़ी चला देता है और उसे मार देता है। फिर वो अनार को घसीटते हुए ले जा रहे होता है, अनार कोशिश करता है भागने की लेकिन भाग नहीं पाता। फिर उसके बाद हमें समुद्र में एक नाव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनार और बाकी सब होते जिनको उन्होंने बंदी बनाया होता है। वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी एक औरत खांस रही होती है और जब उन लोगों को पता चलता है कि पहुँचने से पहले ये औरत ज़िंदा नहीं रह पाएगी तो उसको समुद्र में फेंक देते हैं। जब अनार ये सब देखता है तो अनार उसी आदमी का गिरेबान पकड़ के पूछता है ये तुमने क्यों किया, और वही आदमी अनार को मुक्का मार के बोलता है इतनी चोट नहीं लगी तुम्हें। फिर अनार अपने आप से बोलता है मुझे बचना है, मुझे ज़िंदा रहना है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन भी लोगों को बंदी बनाया जाता है उनको साफ़ सुथरा करके खिला पिला के बाज़ार में ले जाके बेचा जाता है, लेकिन तभी एनआर वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर जाके उसे भूख लग जाती है। भूख लगने के कारण वो एक घर में चोरी कर लेता है और उसको चोरी करते हुए एक महिला देख लेती है, तब वो ज़ोर से चिल्लाती है चोर कोई पकड़ो उसे, लेकिन एनआर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे चल के एक घोड़े पे बैठ के एक इंसान आता है जो कि एनआर को पकड़ लेता है, और वो वही इंसान होता है जिसने एनआर के विलेज के ऊपर हमला करा होता है, तो वह एनआर को मार पीट के दोबारा ले जाता है। फिर वही इंसान सबसे बोलता है सुनो गुलामों, तुम लोगों के घर यहाँ से बहुत दूर है और कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा, दुआ करो कि तुम्हें कोई अच्छा मालिक मिल जाए और फिर उसके अच्छे तरीके से सेवा करो, यहाँ से भागकर भिखारी बनने से ज़्यादा अच्छा खाना तुम्हें गुलामी करके मिलेगा, यहाँ से भागने से पहले एक बार अपना अंजाम सोच लेना। तो एनआर
तुम्हारी समझ में आ गया ना। फिर एनआर को पेड़ से बांधकर और मारा जाता है। फिर अगले दिन दोबारा बाजार लगता है और सारे गुलामों को दोबारा बेचने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। फिर एक बुजुर्ग आदमी आता है जो कि अनार को देखते हुए बोलता है, अरे ये तो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। फिर जो इंसान अनार को बेच रहा होता है वो उससे बोलता है कि क्या, मैंने तो अब गौर से देखा है, शायद ये वो नहीं है, फिर भी तुमको एक कैसा लगा, ये काफ़ी हट्टा कट्टा और ताकतवर है। फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैं यहाँ कोई गुलाम खरीदने नहीं आया हूँ, मैं अपने रिश्तेदार को आज़ाद करवाने आया हूँ। फिर वो उसका नाम बताता है, उसका नाम होता है थॉरफिन। फिर वो बुज़ुर्ग आदमी एनआर से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकल जाता है और फिर एनआर बोलता है, ये जिसको भी ढूंढ रहा है वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। फिर एनआर के पास एक और बुज़ुर्ग आता है और वो एनआर से पूछता है, कहाँ के रहने वाले और पहले क्या करते थे। फिर एनआर बोलता है, मैं उत्तरी इंग्लैंड में एक किसान था। फिर वो बुज़ुर्ग आदमी एनआर से पूछता है, मेरे खेत में काम करना चाहोगे। फिर एनआर बोलता है, खेत में। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बुज़ुर्ग आदमी एनआर को अपना खेत दिखा रहा होता है। फिर एनआर खेत देखते वक्त अपने आप से बोलता है, माँ क्या वो सब वाकई सच था, मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ फिर भी आज़ाद नहीं हो सकता। क्या अब भी आपको लगता है कि हम हारे नहीं हैं? मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया गया, मैंने अपना घर खो दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, समझ नहीं आ रहा आखिर मैं ज़िंदा क्यों हूँ। फिर वो बुज़ुर्ग आदमी किसी को आवाज़ लगाते हुए बोलता है, हे सुनो मैं आ गया, इधर आओ। तभी जंगल में से एक इंसान कुल्हाड़ी के साथ बाहर आता है और वो और कोई नहीं थॉरफिन होता है। फिर एनआर बताता है कि इस तरीके से मेरी थॉरफिन से मुलाकात हुई। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय।